हिंदी पत्रकारिता के अवसर पर आज पत्रकार एकत्र हुए और एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर हरदोई पत्रकार एसोसिएशन के संयोजक सुधांश मिश्र ने सभी पत्रकारों को टाफियां वितरित की और कहा कि आप लोग ने जिस तरह से इस कोरोना महामारी के दौर पर कार्य किया है वह निस्संदेह बहुत प्रेरणादायक है। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार थे उनके मार्गदर्शन में हम लोगों को जो सहयोग मिलता रहा है और जो अनुज हैं उनके द्वारा भी जो समय समय पर सहयोग मिलता है वो बहुत प्रशंसनीय है और हमारा फर्ज है कि हम एक दूसरे के लिए कार्य करें। सर्वप्रथम मैं सभी अपने भाइयों को साथियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और पत्रकार साथी कोरोना योद्धा के रूप में जाने जा रहे हैं। निस्संदेह उन्होंने जो कार्य किया वो बहुत अच्छा कार्य किया। हम लोगों का काम है जनता को हर विषय में जानकारी उपलब्ध कराना, कोई घटना हो गई उसके विषय में जानकारी उपलब्ध कराना, अगर कोई संकट है उससे कैसे बचाव करें इसकी जानकारी उपलब्ध कराना। कोरोना का जो भी केसेस हुए अभी तक जो भी खबरें हुई प्रमुखता से हम लोगों ने प्रकाशित की, हम लोगों ने दिखाई और जनता के बीच पहुँचाई। साथ ही इससे बचाव किस तरह हो सकते हैं इसको भी हम लोगों ने समय समय पर इसका प्रचार प्रसार किया, हम लोगों ने दिखाया, लोगों को जागरूक किया। और पत्रकार जो है हर जब कोई आपदा आती है तो राष्ट्र के लिए पूरी तरह समर्पित होकर कार्य करता है। इस दौर में भी पत्रकारों ने जिस समर्पण के साथ कार्य किया वो निस्संदेह बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाओं के पात्र हैं। एक बार पुनः मेरी सभी पत्रकार साथियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सारे पत्रकार साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद है कि वे अपने संस्थानों और पब्लिक के हित के लिए अपनी जो उनको ड्यूटीज़ दी गई हैं आज कोरोना जैसी महामारी में वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जान पर खेल कर जो वो अपना पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं उसके लिए सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।